ऐसा क्यों लगा जैसे गजल थी? वाह, वो क्या हो गया तुम्हें? सब खेरी, ऐसे आगे क्यों चली आई हो तुम? हैदर, मुझे लगता है गजल यहीं कही थी, वो शायद हमारी बातें सुन रही थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। क्या गजल? और यहाँ तो ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ हैदर। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कैसी हैं आप? कैसे नोटिस हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्नेहा जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कैसा आना हुआ आपका? लग रहा है आप दोनों नन्हे मुन्ने मेहमान की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस किसी और काम से आए थे। दरअसल वो, हाँ, मेरी अम्मी। अम्मी अम्मी करना छोड़िए हैदर जी, अब आप दोनों को अम्मी अबू बन जाना चाहिए। और आप कह रहे थे कि IVF के जरिए आप बच्चा प्लान करने वाले हैं, उसके सिलसिले में सारी टेस्ट भी आपने करवा ली थी, फिर एकदम से आप दोनों गायब हो गए। IVF के जरिए बच्चा प्लानिंग, ये डॉक्टर क्या बोल रही है? पता करना पड़ेगा। एकदम से इरादा क्यों बदल दिया आप लोगों ने? इरादा तो हमारा भी यही है, दरअसल हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन क्या करें डॉक्टर, वक्त ने इजाजत ही नहीं दी, घर के मसलों में हम इतना मसरूफ हो गए थे कि हमें वक्त ही नहीं मिल पाया खुद का ख्याल रखने का। सही कहूं तो मुझे लगता है कि अल्लाह को मंजूर नहीं कि हमें औलाद की खुशी नसीब हो। खुदा को मंजूर है हैदर साहब, इसलिए तो दुनिया में IVF जैसी टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है। जिन माओं को कुदरती हमल नहीं ठहरता उनके लिए IVF जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। IVF करने के लिए ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाएंगी। अब आप दोनों को जल्द से जल्द बच्चा प्लान करना चाहिए और सबको खुश कर देना चाहिए। अरे अपना नहीं तो कम से कम हीना आंटी के बारे में तो सोचिए, वो बेचारी तरस रही हैं पोते पोती की सूरत देखने के लिए।